विकसित भारत संकल्प यात्रा आज करनाल के कस्बा इंद्री के वार्ड 3 में स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में पहुंची, जहां पर इस यात्रा में इंद्री के विधायक रामकुमार कश्यप मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुनते हुए मौके पर ही समाधान करने का प्रयास किया। इस मौके पर एक दर्जन के लगभग लोगों की मौके पर ही बुढ़ापा पेंशन मनाई गयी। वही एक दर्जन से अधिक लोगों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर व गैस चूल्हा उनको दिया गया। देखते रहिए अजीत समाचार वेब टीवी। हाँ जी, आपको कैसा लगा? अगर ठीक लगा जी, आपको कोई पैसा नहीं लगा जी, कटर के मोदी की धन्यवाद है जी। पेट दर्द तो रहती है अभी भी, ये अगर ये कार्ड ना होता तो क्या होता? बहुत मुश्किल होती है, तो घर का खर्चा चलाना भी बहुत मुश्किल हो गया। तो कितना पैसा खर्च हुआ कार्ड से? बहुत पैसा, लाख दो लाख ढाई लाख लग गया जी। सरकार ने दिया? हाँ जी। अब ऑपरेशन करा के क्या महसूस कर रहे हो? हाँ जी, वो अच्छा लग रहा है। हाँ, वो तो ठीक है, ऐसे ही ठीक लग रहा है, बस दर्द तो होता है, चल नहीं सकते अपना पैर से। अब चल नहीं सकते। नाम क्या जी अपना? राजू। कहाँ के रहने वाले हो? इंदिरा में जी, 10-8 में जी। मेरा दो ऑपरेशन हो गए और आयुष्मान कार्ड पे लगे और आज घर के पैसे लगे। कितना फायदा मिला आपको आयुष्मान कार्ड से? क्या लाभ हुआ? 5-6 तो लग गए हमारे। अच्छा अच्छा, अब ठीक हो आप? सारा पैसा सरकार ने दिया आपका? आधे घर के भी लगे। सरकार की तरफ से कितना पैसा मिला? 5 लाख। 5 लाख नहीं था, 5 लाख सरकार ने। हाँ, धन्यवाद। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या नाम है और कौन से वार्ड के रहने वाले हो? सुमन है जी, और वार्ड नंबर 7 के रहने वाले हैं। आयुष्मान कार्ड पे ही अपने का ऑपरेशन हुआ, दो बार पहले भी बीमार हो गए थे, वो आयुष्मान कार्ड से हुआ है। 30,000 लगे थे, अब भी 10,000 लगे हैं आपके ऑपरेशन के, तो इन्हीं से हमारे मोदी का धन्यवाद करते हैं, सरकार का धन्यवाद करते हैं। कर दिया मोदी जी का। आज विकसित संकल्प यात्रा पहुंचे थे, तो विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है ये हरियाणा के हर गांव में, हर शहर में जा रही है। वहां पर जाकर के ये जितनी भी केंद्र सरकार की योजना है, प्रदेश सरकार की योजना लोगों के कल्याण के लिए बनाई, उसकी जानकारी देनी है। और मौके पे जो लाभार्थी है उनके जो है उसका लाभ देने का भी काम किया जा रहा है। जैसे मेरे हल्के की अगर मैं बात करूँ, इंद्री हल्का में 144 के लगभग गाँव है, 118 के लगभग कहते हैं, तो ये जो है लगभग मेरा जो है 99% जो हल्का कवर हो गया गांवों का, तो उसमें 15 गांव रह गए। आज पहली बार ये शहरों में जा रही है, उस आज उसी कड़ी में शहर में आई है, तो आज हम शहरी में दो प्रोग्राम करेंगे, एक यहाँ पर इंद्री में है, इसके बाद 96 गांव में, क्योंकि वो गांव है, ग्रामीण अंचल से लोग रहते हैं, तो वो यहाँ नहीं आ पाएंगे, तो वहीं पर शाम को होगा। तो यहाँ पर भी वही स्कीमें हैं, इनको बताने काम कर रहे हैं, तो डॉक्टरों की टीम भी यहाँ पर आती है, तो शरीर परीक्षण भी हो रहा है, टीबी के परीक्षण भी हो रहा है, लाभार्थियों को जो भी जो लाभ होना उसको सभी देने काम किया जा रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं काफी दर्जनों के लगभग यहाँ पर आज पेंशनें दिलाने का काम करा, दर्जनों के लगभग उज्ज्वला गैस कनेक्शन में पीपल परिवार की महिलाओं को उसको गैस कनेक्शन दिए हैं, तो इस प्रकार की योजना है। इसमें संपर्क से गरीबों को बहुत फायदा होने जा रहा है, तो हर नागरिक इसमें सहयोग कर रहा है। ज्यादा समस्याएं किस प्रकार की आई? ज्यादा समस्या तो देखिए इसमें कोई जैसे कहीं कहीं ज्यादा है, तो किसी लोकलिटी में कोई ज्यादा है, जैसे यहाँ पर आईडी की प्रॉब्लम ज्यादा है, ठीक है ना। तो मैं सोचता हूँ इसमें शिक्षा का अभाव है, तो उनको पता नहीं भी ये कैसे ठीक होगा। तो आज एक गरीब आदमी है, वो तो एक एप्लीकेशन में लिख सकते हैं, तो मैंने बड़ा प्रयास किया, एप्लीकेशन लिख नहीं लिख पाए, तो फिर मैंने उनकी आईडी से काम चलाया, उस पर लिख दिया पेंशन बनाने के बाद, आईडी ठीक कराने बारे में, तो उसके मोबाइल नंबर लिखे थे, उसके काम कराने के बाद। यानी कि सरकार आपके द्वार इसको करेगी तो भी कह सकते हैं? हाँ, सरकार आपके द्वार देखेगा। जैसे मैं कहता हूँ डॉक्टरों की लंबी चौड़ी टीम आ रही है यहाँ पर, आयुष डिपार्टमेंट से डॉक्टर हैं, हेल्थ से यहाँ पर है, तो ये शारीरिक चीजें परीक्षा जांच कराई है अपने, तो मेरे ख्याल में 150 के लगभग हो गए यहाँ पर। अगर यही अपना परीक्षण कराने के लिए डॉक्टर भी बजाते, कल तो उनको उनकी पर्ची बनती, पता नहीं कितने 100 रुपए लेते, 500 लेते, पैसे देने पड़ते, फिर चेकअप करते, लाइन में लगना पड़ता, लाइन में तो यहाँ भी लगे होंगे, भीड़ जाना थी, तो फिर उसको दवाई देते, दवाई भी पता नहीं 500 की दवाई थमाते, 400 यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट उनका परीक्षण हुआ है, फिर उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दवाई दी जा रही है, उनका लंबा इलाज भी शुरू सरकार की तरफ से। नरेंद्र मोदी का सपना कैटेगरी में आते हैं,
हम विकसित देश में जो है वर्ल्ड में जो है 200 के लगभग देश है, उसमें से केवल 37 देश ही ऐसे जो विकसित कैटेगरी में आते हैं। हम बहुत दूर हैं। विकसित देश वो होते हैं जिनमें बहुत ईमेल पर कैप्टन को बहुत ज्यादा होती है समस्या, मतलब कोई नामात्र की समस्या होती है। तुम्हारे को भी विकसित देश बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा। ये उसकी एक कड़ी का वही एक कड़ी है जो मतलब ये विकसित भारत यात्रा आई है। लोगों की ज्यादा से ज्यादा समस्याएं दूर होंगी तभी जा करके हम 2047 में विकसित बनेंगे। इसमें सरकार अपना काम करेगी और नागरिक का इसमें सहयोग है। सभी नागरिक जो है जहां बहन जा रही है वो भी शपथ लेते हैं भी हम भी देश को विकसित बनाने में अपना सहयोग करेंगे। निश्चित तौर से जिस प्रकार से हमारा देश विकास कर रहा है, विकासशील देश है, तो हम निश्चित तौर 2047 में जब हमारा देश को जो है 100 साल हो जाएंगे, हमारा देश विकसित हो जाएगा। हम भी जो 37 देश जो विकसित देश की कैटेगरी में उसमें शामिल हो जाएंगे। जब इस प्रकार का होगा तो देश में कोई भी किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी, गरीबी नहीं होगी, बेरोजगारी नहीं होगी, तो हर एक आदमी की पर कैपिटा इनकम इतनी हो जाएगी मतलब उसमें किसी प्रकार की समस्या के लिए कोई खंड नहीं। यदि देश की बात करें तो लगभग 23 से ज्यादा ऐसे प्रोजेक्ट है हाईवे, कोई 1000 किलोमीटर का, कोई 500 किलोमीटर का है, तो मकसद क्या है इतने हाईवे बनाने का? अब देखिए कनेक्टिविटी है, जितनी कनेक्टिविटी रहेगी लोगों को आने जाने में सुविधा रहेगी। अब दिल्ली जाते थे 5-6 घंटे लगते थे, जाम लगे रहते थे, अब दिल्ली हाईवे बन गया, अब वही सफर जो है जहाँ से 2 घंटे में हो जाता है। अब 152D है जहाँ पर 8 घंटे लगते थे, अब 1.5-1.5 घंटा लगता है, नॉन स्टॉप गाड़ी जाती है। इससे क्या है यात्रा आसान हो जाती है, जिसने समय पर समय की बचत होती है, डीजल की बचत होती है, लोगों को आराम मिलता है, जिसने काम 6 घंटे बाद में करना था 6 घंटे पहले उसका काम हो जाता है। निश्चित तौर से इससे लोगों को सुविधा मिली। हरियाणा में भी इस तरह के कोई प्रोजेक्ट और बड़े प्रोजेक्ट है? देखिएगा हरियाणा का कोई भी जिला ऐसा नहीं है जो हाईवे से नहीं जुड़ा। हरियाणा का बहुत खुशी मुझे बताते हुए कि हरियाणा का हर एक जिला जो है हाईवे से जुड़ गया। आप देख रहे हैं चौगामे के बाद एक हाईवे निकल रहा है, अभी एक ये यहाँ पर होटल से यहाँ एक हाईवे निकल रहा है, वो मेरे आधा मेरे हलके को कवर कर रहा। इस प्रकार से हाईवे की कमी नहीं है, सरकार अपनी स्पीड से काम कर रही है।